मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं कि आप यहां इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। मैं और मेरे वालिद साहब आपके एहसानमंद हैं कि आप लोग यहां आए। आज पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं जो बारी बारी आएंगे और आपसे बेइज्जत होंगे। मैं एक गुजारिश है, हम यहां आपको बात सुनाने आए हैं, आपकी सुनने नहीं आए हैं, तो आप हमारी सुनिए। आज मैं आपको वो सुनाऊँगा इंशाल्लाह कि इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी आपने। इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब मैं इससे पहले कि अगले आर्टिस्ट को बुलाऊं, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले एक खाका सुने ताकि आप खूब लुत्फानंदोज़ हों। अभी आपको अज़ीज़ वारसी एक तीन नगमे सुना रहे थे। अज़ीज़ वारसी बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अभी आप उनको सुन रहे थे। मैं एक और ख़ूबसूरत आर्टिस्ट को बुलाता हूँ जिसका अधूरा तारुफ हुआ, मैं उसका तारुफ मुकम्मल करवाता हूँ कि हमने जब टेलीविज़न पर काम शुरू किया तो जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके साथ काम करते हुए हम बहुत एहतियात से काम करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रीन पे हम इनकी अच्छी अदाकारी से नज़र ना आए। और किसी बड़े आर्टिस्ट और मशहूर आर्टिस्ट के साथ काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरी एक सीरियल चली जिसकी 65 किस्तें लोगों ने देखी और 40 किस्तें अब इसकी और हैं। उसका नाम है सचमुच, जिसमें मैंने सेठ मंजूर दानेवाले का रोल किया। उसमें मेरी दो बीवियां होती हैं और ये मेरा जो मुलाजिम है इसको कमबख्त को ये मालूम हो जाता है कि मेरी दो बीवियां हैं। वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसा लेता है। उसने इतना टिक के मेरे साथ काम किया कि बाज़ एपिसोड्स के अंदर तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मुझसे कुछ आगे निकल गया है। बड़ा टैलेंटेड है और जब वो वन मैन शो करने आएगा तब आप उसके जौहर देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो मैं अब आपकी बाकायदा तालियों में उसे बुलवा रहा हूँ। इज़ वेरी टैलेंटेड फैसल काजी। मियामी में आके मुझे बहुत खुशी इसलिए भी होती है कि आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, और दूसरी बात यह कि मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो पढ़ा करते थे स्कूल में, वो भी इत्तेफाक से मियामी में हैं, जिनमें अशरफ नवी वाला और रफ़ीक इस्माइल जैसे लोग शामिल हैं। और इनसे जब मिलता हूँ तो फिर पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं, फिर हम शो वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं। जी, आई विल प्ले अ सेठ। अब ज़रा इस खाके को ध्यान से सुनिएगा, इसमें पॉलिटिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है और कुछ सबक आमोज़ बातें भी हैं, आपको शायद अच्छी लगेंगी। ये पहली दफ़ा आपको सुना रहा हूँ। ये सेठ है, ये टेलीविज़न का नुमाइंदा है। सेठ साहब नाराज़ है किसी बात पर, अब ये नुमाइंदा बातचीत करता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। कौन सेठ? आप सेठ? सेठ कौन, किसको बोला तूने सेठ? सेठ किसको बोला है? आपको। जबान संभाल के बात कर। आई एम नो मोर सेठ। क्यों? मैं सेठ नहीं हूँ। क्यों यार? मैं सेठ नहीं होने भाई, पागल हो गया? इतने टैक्सेस लगने के बाद कोई सेठ रह सकता है? जगह जगह से हाथ डाल डाल के निकाल रहे हैं, किधर से? हम सेठ नहीं है भाई, खत्म हो चुके हैं। आई एम नो मोर सेठ, आई एम एग्रीकल्चरिस्ट। अच्छा, जमींदार? जमींदार। अच्छा, तो सर कल्चर के बारे में कुछ बताइए। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ही पसंद है मेरे को, मालूम है काय को? क्यों? इसमें दो लफज आते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में दो लफज आते हैं जी, एग्री जी और कल्चर। ठीक ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत हाई लेवल की बात है, तेरे बाप की समझ में भी नहीं आएगी, ध्यान से सुनना। सुन रहा हूँ। एग्री और कल्चर। कल्चर, ठीक है ना? ठीक है। एग्री का मतलब ये है कि मैं एग्रीकल्चर की आड़ में करोड़ों रुपया कमाऊंगा, जवाब में हुकूमत को थोड़ा सा टैक्स दे दूंगा जी, और हुकूमत के खिलाफ कोई बकवास नहीं करूंगा, इसका मतलब है मैं हुकूमत से एग्री करता हूँ। हाँ, ठीक है ना? जी जी। बाकी क्या बचा? कल्चर। कल्चर इसका मतलब है बेटा, पाकिस्तान से जितना माल लूटा है ना, आज नहीं कल्चर। सर और भी तो किस्में होंगी कल्चर की? बहुत सारी किस्में, कल्चर की बहुत सारी किस्में, मारामारी कल्चर, गुंडागर्दी कल्चर, क्रेशन खोफ कल्चर, डिस कल्चर। हैं? डिस कल्चर। अच्छा, डिस डिस। अरे यार, डिस। अरे डिस। जी जी, डिस। मेरे साथ मस्ती नहीं करना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, डिस। सर मैं जी डिस। अरे यार ओ भाई डिस। अच्छा, यार तू अपनी जबान में बोल ले। अच्छा, छत के ऊपर नहीं लगी होती है? ओ, डिश सर, डिश। हाँ तो वही ना, तो yes. मैं तू डिश काय को बोल रहा है? सॉरी डिश। आदमी डिश बोल रहा है। डिश
नुक्ते खा जाते हैं, शर्म नहीं आती है तेरे को? डिस बॉल डिस। अच्छा, ये जो नहीं घरों के ऊपर बड़ी बड़ी डिस लगी होती है जी जी, जिससे अखलाकी प्रोग्राम आते हैं, सरी सरीफाना प्रोग्राम आते हैं, नहीं देखे? हाँ। बहुत सारे टीवी आते हैं जी जी, यहाँ के चैनल हैं, अमेरिकन चैनल हैं, और ये बाहर के चैनल हैं, पाकिस्तान के चैनल हैं, इंडिया के चैनल हैं जी जी। ये जी टीवी नहीं है? कौन सा जी टीवी? जी टीवी। अच्छा वो जी जी, वो तो पी टीवी है। यार कैसा जाहिल आदमी आया इंटरव्यू करने। अरे जी टीवी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYG। सर जी टीवी। हाँ वही वही नहीं तो मैं इतनी देर से क्या फाट रहा हूँ मुझे। सॉरी सॉरी, जाहिलों वाली बातें करता है। जी टीवी जी जी, ये जी टीवी देख के मेरा बड़ा छोकरा बिगड़ गया है। कैसे? एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के, कॉलेज की गर्लफ्रेंड का, ये जी टीवी ये जो टेलीविजन है ना डिस, ये इसकी वजह से खराब हो गया। आके हाथ पकड़ के लड़की का मेरे सामने, मेरी आंख में आंख डाल के मालूम मेरे को क्या बोलता है? क्या? सुनो बुड्ढे। आपको कहा बुड्ढे? नहीं, तेरे बाप को बोला बुड्ढे। बेटा किसका है? आपका। खड़ा हुआ किसके सामने? आपके सामने। तो मेरे को बोलेगा नहीं? जी जी। मेरे को बोलता है सुनो बुड्ढे जी, अपन तारा से प्यार करता है क्या? और अपना रास्ते में अगर कोई दीवार बनेगा तो अपन उसका मुंडी काट के झोपड़पट्टी के पीछे फेंक देगा। कौन बनेगा करोड़पति? मेरे बोला तेरे को शर्म नहीं आती है? तू बाप के सामने ऐसी डायलॉग बाजी करता है तो मालूम है क्या बोलता है? क्या? जानी हमसे जो टकराए ये जमाने में दम नहीं, हमसे है ये जमाना, जमाने से हम नहीं। मैंने उसको बोला तू ये देख देख के मेरे बाप के साथ में डायलॉग बाजी करते है तो मालूम है क्या बोलते हैं? क्या? तो मैं यही तो एक खराबी है कि बात को घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां ले जाते। मैंने बोला बेशरम तू पीटीवी काय को नहीं देखता है? हाँ। तो बोला क्या खाक पीटीवी देखूं? जब भी पीटीवी लगाता हूं एक ही आवाज आती है, हाँ मेरे भाई तेरा ये जवाब दुरुस्त हुआ। सर प्लीज। अभी एक मिनट, ये लोग आ गए ना जी, बहुत जल्दी में आए। होता है, कोई बात नहीं, अपने कम्युनिटी आज देर हो जाती है ना, कोई काम भी तो हो सकता है यार। सर ये भी हो सकता है क्या? खाली ये सोई देखने का काम रह गया है क्या? कोई और भी काम जरूरी हो सकता है। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं तेरे को? मेरे साथ आप ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। मेरे साथ तू भी गलत बात नहीं करना, शकल से मेरे को हंगरी और होमलेस लगता है तू।